हल्का गोगा जहर वीर बाबा की जय। तो जैसा कि सभी को पता है, सभी बच्चों को पता है कि मैंने ब्लॉग बनाया था और डाला था और लगातार अब ब्लॉग जरूर बनाऊंगी आप तक। अपनी जिंदगी में जो मैं करती हूँ या जैसे मैंने जिंदगी जी है वो बताने के लिए। तो आज तो वीरवार है, आज मुझे किलन करना था, किसी संगत का संकट घटा था तो उनके घर किलन करा। पुलिस लाइन से है वो। किलन करने के बाद पता नहीं क्या हुआ, अचानक मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ये बात बता रही हूँ, अपने मन की बात बता रही हूँ और अपने देवी देवताओं के कि उन्होंने वो आभास कैसे करते हैं और वो कैसे इशारा कैसे देते हैं, वो बताते कैसे हैं। उसके बाद मेरे को लगा कि आज मुझे रोजा पीर पे जाना चाहिए क्योंकि मैं जाती रहती हूँ रोजा पीर पे, बहुत मानती हूँ इस पीर को। सैयद पीर है ये, यमुनानगर से 1 घंटे का रास्ता है। तो फिर मैं सैयद पीर के सलाम करने के लिए गई तो बहुत बरसात का इतना पानी यहाँ पर, बहुत ज़्यादा पानी, गाड़ी बहुत मुश्किल से निकली। लेकिन कहते हैं ना कि जब तू साथ है तो फिर क्या गम है, तो पीर साथ थे, कोई गम नहीं था। सबने डराया, सबने बताया कि गाड़ी नहीं जा पाएगी। अब क्या करते हैं, पीछे भी नहीं मुड़ के देख सकते थे तो आगे बढ़े, पीर जी को सलाम करा और साथ में सलाम करके फिर वहां से आए, उनकी दुआएं ली। और बहुत जल्दी मैं आप लोगों को, बहुत जल्दी जो गुरु दाद गुरु परदाद गुरु उनके यहाँ माथा टेकने जाऊंगी गुरु रजानाथ के, तो आप लोगों को बहुत जल्दी वहाँ का नज़ारा भी दिखाऊंगी और अरदास भी लगवाऊंगी। सबकी इच्छाएं पूरी हो। जय माता।